तो ये है TVS की एंटॉर्क 125 रेस एडिशन, जो कि है BS6 वेरिएंट। तो सबसे पहले सिनेमैटिक व्यू एंजॉय करो, उसके बाद शुरू करते हैं इसका रिव्यू। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रंट व्हील से। एलॉय व्हील है, वो डायमंड में दिया हुआ है। और जो टायर साइज है तो वो मिला है इसमें 8012 इंच का, यानी 8012 इंच का टायर साइज है इसका। और डिस्क ब्रेक है फ्रंट वाले व्हील में, 220 mm का पेटल डिस्क मिलता है, जो कि गर्म नहीं होता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगर हेडलाइट की बात करें तो इसमें मिलता है हमें DRL लाइट्स डे टाइम रनिंग, और फुल्ली LED हेडलाइट मिलता है इसमें हमें। तो ऑन करके दिखाता हूँ एक बारी। तो इसमें लो बीम और हाई बीम दोनों ही वाइट कलर में मिलती है। तो इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें हेलोजन में मिलते हैं, लेफ्ट राइट इंडिकेटर स्विच। और इसमें इंडिकेटर ऑफ करने के लिए बीच में बटन दिया हुआ है, उसको प्रेस कर देंगे तो बंद हो जाएंगे इंडिकेटर। हजार्ड स्विच दिया हुआ है रेड कलर का, ये वाला, इसको ऑन कर देंगे हमारे चारों इंडिकेटर जो ऑन हो जाएंगे। एक बार पीछे को चेक कर लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ है इसमें, ये हजार स्विच का, ठीक है। इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो हमें मिल जाता है टेलीस्कोपिक फोर्क विद हाइड्रोलिक डंपिंग। रियर का टायर साइज थोड़ा सा फ्रंट वाले से अलग है, 110/80 और 12 इंच का मिल जाता है। और दोनों ही टायर इसमें ट्यूबलेस मिल जाते हैं, और TVS कंपनी के टायर दिए हुए हैं। पिछले जो ब्रेक है वो ड्रम वेरिएंट है, पीछे में डिस्क नहीं मिलता है इसमें। और यहाँ रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं दोनों साइड। और ये कुछ पीछे से लुक है, इंडिकेटर काफ़ी शार्प डिज़ाइन में दिए हुए हैं, और यहाँ लोगो मिल जाता है TVS का। पीछे की जो टेल लाइट है वो फुल्ली LED है, और ये कुछ डिज़ाइन है DRL टाइप में। तो इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनते हैं कैसा है। काफ़ी बेस वाला साउंड है, साउंड आ रहा है। और यहाँ ये फैन दिया हुआ है इंजन को ठंडा करने के लिए, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, एयर कूल्ड इंजन है इसमें। तो इसमें जो ग्राफिक दिया हुआ वो यहाँ पे दिया हुआ है एंटॉर्क 3D में, एंटॉर्क 125 रेस एडिशन का ग्राफिक। और कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है, रेड एंड ब्लैक में। और नीचे की तरफ आप देख सकते हो ये जो फुट रेस्ट है एल्युमिनियम में दिया हुआ है, और काफ़ी अच्छी ग्रिप है, रबड़ की नहीं दी है लेकिन, बट जो ये इस तरफ पोर्शन दिया हुआ है काफ़ी ग्रिप वाला दिया हुआ है। और लेफ्ट साइड में आते हो तो यहाँ भी सेम वही मिलता है, एंटॉर्क 125 3D लोगो। और जो इसमें सीट में जो रेड कलर की स्टिचिंग दी हुई है वो बहुत ही प्यारी लग रही है इसमें। और यहाँ पे आप देख सकते हो एंटॉर्क का लोगो भी स्टिचिंग किया हुआ है, साइड फुट रेस्ट। और यहाँ 3 valve की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और सबसे नीचे में TVS रेसिंग का लोगो मिल जाता है। तो ये फ्लैग भी बहुत ही प्यारा लग रहा है इसमें। फ्रंट में आपको TVS की 3D लोगो मिल जाएगा। ओवरऑल लुक है जो इसका काफ़ी डिसेंट लग रहा है, और अग्रेसिव लुक निकल के आ रहा है इसका। सबसे अच्छी चीज़ है इसमें, इस स्कूटी के जो टायर हैं वो अदर स्कूटी के मुकाबले काफ़ी वाइड हैं, और काफ़ी हैवी टायर दिया हुआ है, तो जिसकी वजह से रोड पर काफ़ी अच्छी ग्रिप बनती है। और इसमें RTFI जो सिस्टम दिया हुआ है वो स्कूटी की परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इन्हेंस करता है। अब आते हैं इसके रेयर में, तो यहाँ में मिल जाता है पेट्रोल टैंक
और इसकी फ्यूल कैपेसिटी है 5.8 लीटर। और अब बात करते हैं इसके सीट में जो स्पेस है, इसको ओपन करके दिखाता हूँ। चाबी को इस तरीके से लगाएंगे और इसको तो राइट साइड में सीट ओपन हो जाती है, और इसको अगर लेफ्ट में घुमाते हैं यानी मेरा लेफ्ट, तो ये ओपन हो जाती है फ्यूल टैंक का कैप, और इसको प्रेस कर देंगे तो ये वापसी लॉक हो जाती है। तो बात करते हैं इसके अंदर स्पेस की। तो ये है पूरा का पूरा हेलमेट, इसमें आ जाता है बहुत ही आसानी से। इसको निकालते हैं तो ये कुछ स्पेस है इसके अंदर, बहुत ही अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है इसमें। और साइड में आपको देखने को मिलेगी जो छोटी सी LED लाइट है, तो रात के समय में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। लाइटिंग वगैरह इसमें ऑटोमेटिक दी हुई है, और ये टूल किट और पेपर वगैरह इसमें रखने के लिए। और इसमें साथ ही चार्जर मिल जाता है, USB केबल फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए। इसमें लिखा हुआ भी है डू नॉट चार्ज व्हेन इंजन इज ऑफ, यानी कि इंजन ऑन होएगा उसी टाइम पे ही चार्ज करना है फ़ोन अपना। ठीक है गाइस, तो बहुत ही अच्छा फीचर दिया हुआ है इसमें। ये डिजिटली इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है इसमें हमें, और स्टार्टिंग में ही हमें ओनर का नेम लिखा हुआ मिल जाता है। एक बार दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस तरीके से यहाँ नाम आएगा भी ओनर का, दुष्यंत लो मोड करके। तो काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं इसमें, जैसे कि फुल गेज मीटर, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप गेज मीटर, और आपको इंजन मेलफंक्शन लाइट, ये सारे फीचर मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो मोड और सेट दो बटन है, तो इसमें तीन मोड मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स मोड, स्ट्रीट मोड और राइड स्टेट्स, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें। इसमें आप टाइम लैप्स भी रिकॉर्ड कर सकते हो, 0 to 60 कितने सेकंड में जाती है। तो यहाँ मिल जाता है हमें लो बीम, हाई बीम स्विच, ये इंडिकेटर स्विच, जैसा कि बताया था आपको ये बीच से ऑफ हो जाएगा, ये हॉर्न, काफ़ी हैवी साउंड है, ये सेल्फ, ये अपना हज़ार्ड स्विच चारों इंडिकेटर ऑन करने के लिए, और सबसे ऊपर में इंजन किल स्विच, तो ये हर एक स्कूटी में नहीं आता। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो हमें मिल जाता है 155 mm, और कर्व वेट है इसका टोटल 118 kg। अब बात करते हैं इसके इंजन की। तो इंजन है इसका 124.8 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है। और अगर पावर की बात करें तो इसमें हमें मिलती है मैक्सिमम पावर 9.38 PS की एट 7000 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क मिल जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल करना सब्सक्राइब, और अगर आपका कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।